डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था, चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उसके अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा जाए टॉपिक्स, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उनके उनके अपवर्तनांक। जैसा कि जानते हैं आप, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ है, उसके अपवर्तनांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर उसका अपवर्तनांक कितना होता है। हालांकि अपवर्तनांक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अपवर्तनांक एक तरीके का अनुपात होता है। ऊपर वाला फिक्स होता है प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जिस माध्यम में हम लोगों को प्रकाश को चलाना है उसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले चलिए एक तरफ लिखते हैं पदार्थ, एक तरफ पदार्थ और एक तरफ अपवर्तनांक, एक तरफ पदार्थ एक तरफ अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वायु। पहला नंबर पदार्थ क्या है? वायु। तो वायु का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.0003 होता है, याद रखिएगा। इसीलिए वायु में हमको फीलिंग ही नहीं होता है। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है, लगभग एक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर जल। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका होता है 1.33, इसका लिख लीजिए 1.33। ठीक है, फिर लिखा जाए तीसरा नंबर में अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, इसका मूलक क्या होता है? तो OH होता है, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़े, ये चैप्टर ही था अल्कोहल, फिनॉल और इथर, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम क्या है, सॉरी चैप्टर नहीं, तीसरा नंबर में है अल्कोहल। और अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। तीसरा नंबर में हम लोग लिखे अल्कोहल, अल्कोहल का होता है 1.36। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में किरोसिन तेल, किरोसिन जिसको मिट्टी तेल कहते हैं। ठीक है, किरोसिन तेल, तो किरोसिन का कितना होता है अपवर्तनांक, याद रखिएगा 1.44। किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हाई फाइव नंबर देखेंगे। फाइव नंबर में लिखिएगा बर्फ, यानी कि जो आइस, बर्फ का टुकड़ा होता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है? अब आपको जानकर आश्चर्य होता होगा कि क्या सर बर्फ के आर पार भी रोशनी चल जाएगा? जी बिल्कुल, बर्फ अगर पतली होगी ना, पतला एकदम सा बर्फ होगा, उसके आर पार भी टॉर्च का लाइट पार हो जाता है। वायु में पार होता ही है, जल में भी पार हो जाएगा, अल्कोहल में भी आप टॉर्च की लाइट जलाएंगे तो वो भी पार होगा। किरोसिन, किरोसिन में भी तो आप देख पाते होंगे हम लोगों का जिस बर्तन में रखते हैं उसका तली दिखाई देता है, तो कुल मिलाकर इससे भी लाइट पास हो जाएगी। अब आपको बर्फ में जानकर आश्चर्य होगा, तो बर्फ का एक पतला सा सिली अगर लिया जाए और उसके आसपास टॉर्च को फोक्स मारा जाए तो वो बाहर हो जाता है। इसलिए इसका जो अपवर्तनांक होता है, किसका? बर्फ का, वो हो जाता है 1.31। इसका होता है 1.31, यानी जल से कम होता है। जल का ज़्यादा ना है 1.33, अभी जल से कम हो जाता है, यानी कि वही जल जब बर्फ में बदलता है तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है जल से। ठीक है, चलिए फिर लिखा जाए कांच। कांच दो तरह का होता है, एक है क्राउन कांच,
क्राउन कांच। और सब सब कांच का अलग अलग व्यवहार होता है, कोई खिड़की में लगता है, कोई लेंस बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है क्राउन कांच। तो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा, 1.52 होता है अपवर्तनांक। क्राउन कांच का कितना होता है? 1.52। एक आता है, एक और कांच का नाम है, सातवां नंबर, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच, ये कांच के प्रकार हैं, अलग अलग कांच होते हैं, शीशा होते हैं, ठीक है। तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52, और फ्लिंट कांच का याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1.67, ठीक है। फिर आता है नंबर नंबर हीरा का, हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, और इस टेबल में वायु का, जल का और हीरा का, ये तीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, इसका क्या अभिप्राय है। ये सवाल पूछता है अक्सर कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब, अभिप्राय का मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें दो तीन ठो है जो आपको याद करने का ज़रूरत है, जैसे वायु का अपवर्तनांक तो 1.0003, और जल का कितना, तो 1.33। फिर आता है हीरा का, ऐसे सब याद कर लीजिएगा तो बेटर है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसका अपवर्तनांक हमें याद रखना जरूरी है, कुछ का, सबका नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, सॉरी आंतरिक, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्त इसको TIR भी कहते हैं। कोई पूछेगा कि TIR से आप क्या समझते हैं, तो TIR का मतलब कौन सी हुआ, TIR का मतलब हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, T का मतलब हुआ टोटल, आंतरिक माने अंदर, अंदर का मतलब आई, आई मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। आर का मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, तो इसका आंसर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR, ठीक है। तो अभी हम लोग टॉपिक देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको TIR कहते हैं। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए इसमें टॉपिक्स दे दिए हम लोग, एरो दिया जाए। फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है, तो वे अपवर्तन के कारण, वे अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर विचलित होते हैं, अभिलंब से दूर विचलित विचलित होते हैं, अर्थात 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 आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो, आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो किरणें, सॉरी बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें उस माध्यम में अपवर्तित नहीं होती है, बल्कि बल्कि
पूर्ण रूप से परावर्तित होकर, पूर्ण रूप से परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम में ही परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई लौट जाती है। परावर्तित, परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए लौट आती है। इस घटना को, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको समझाते हैं फिगर से। दोस्तों होता क्या है कि सिंपल वे में मान लिया कि कोई एक अपवर्तक स्वतः है और इस पर अभिलंब है। इस पर क्या है? अभिलंब है इस पे, ठीक है। अब एक तरफ हम बोल रहे हैं सघन और एक तरफ बोल रहे हैं विरल। यह है सघन और यह है विरल, ठीक है। बोल रहे हैं कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर जाती है। जैसे मान लिया कि एक किरणों को हम यहाँ से गुजारे, ठीक है, एक किरणों को गुजारे यहाँ से, जाना चाहिए था सीधा लेकिन अभिलंब से दूर भागा इधर। अगर मान लिया कि और आगे किरणें आएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी, जाना चाहिए था इसको इधर लेकिन जाएगा इधर। देख पा रहे होंगे, टेढ़ा मुड़ रहा है, इधर जाना चाहिए था लेकिन जाएगा इधर। तो अगर बोला जा रहा है कि, तो इसको हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपतन कोण को हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लिया कि और इधर ला रहे हैं, आपतन कोण को और बढ़ा रहे हैं, तो इसका वैल्यू और बढ़ते जा रहा है, इसका वैल्यू और बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग यहाँ पे दिए तो ये पुनः और पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट गया। मतलब कि ये हम लोगों का अपवर्तक सतह है और कुछ किरणें क्या हुई कि जब इसको सटा कर यहाँ से हम लोग, मैंने ये जो अपवर्तक सतह है इसको बिल्कुल नज़दीक से किए, हुआ क्या कि ये लौट गया अपने ही सघन माध्यम में। यानी कि कुछ किरणें ही ऐसी होती है, आप समझ पा रहे हो, जैसा फिर से डायग्राम बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ये हुआ सघन और ये होता है विरल। अब मान लिया कि कोई किरणें आई, अब इसको जाना चाहिए था सीधा लेकिन अभिलंब से दूर भागा, ये हो गया ऐसे। लेकिन अब इसी को एक फिगर से समझिए, ये हम लोगों का अभिलंब है और ये हम लोगों को कोई अपवर्तक सतह है। मान लिया कि अब इसके नीचे से बिल्कुल एकदम सटा कर कोई किरणें को हम लोग पास किए, अब बहुत सारी किरणें आएगी ना यहाँ पे, इधर से भी आएगी इधर से भी आएगी, लेकिन जाना चाहिए था इसको बिल्कुल सीधा लेकिन अभिलंब से दूर हटी, अब ये जाने लगी ऐसे। समझ में आ रहा है? तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं, यानी सघन माध्यम था ये, सघन माध्यम से ही किरणें चली थी और सघन माध्यम से ही वापस लौट गया, तब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अपवर्तन नहीं हो रहा है, परावर्तन हो रहा है दोस्तों। और इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया? तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हम जानते हैं कि अभिलंब से दूर जाती है, लेकिन जब आपतन कोण को बढ़ाया जाए, देख लो अब इसी आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तब इसको आईसी कहते हैं। आईसी का मतलब होता है क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांति कोण, यानी कि आपतन कोण का वह कोण जिस पर दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं हो बल्कि ही अपने ही माध्यम में प्रकाश की किरणें वापस आ जाती है, तब हम इसको बोलते हैं
क्रांतिक कोण। तो कुल मिलाकर यानी कि वह किरणें या फिर आपतन कोण को और बढ़ाए जाने पर तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि वह किरण अपने ही माध्यम में वापस नहीं लौट आए, यानी कि एक्चुअली है ये अपवर्तक सतह। अगर कोई किरणें को यहाँ आप डालेंगे तो दूसरे माध्यम में चल जाएगी, लेकिन आप इस कंडीशन पे अगर कोई किरणें आती है तो दूसरे माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में वापस लौट जा रही है, तब हम इसको बोलते हैं दोस्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो आप इस फिगर को नहीं बनाइएगा, आप इस फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। यानी ये चीज़ हम समझा रहे थे कि अगर जाता है तो अविलंब से दूर आता है, लेकिन ये वाला जो किरण जो बिल्कुल इसके सतह से सटकर जाएगा वो कहाँ है होगा, तो सघन माध्यम में वापस चला जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब दोस्तों हम लोग और भी पढ़ेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं, यानी कि आप हमेशा नहीं बोल सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुछ कंडीशन होना चाहिए कि आखिर किस कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसके लिए शर्त को हम दोस्तों अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।